You must remember, company की growth personal growth से पहले आती है. एक true leader वो नहीं होता है जो बस problems को identify करता रहे. एक true leader वो होता है जो problems को identify करके उन्हें rectify भी करे. Remember, as leader, आपको अपनी टीम का साथ देना है, अपने टीम मेंबर्स की गलतियों को भी माफ करना है, क्योंकि हो सकता है उस गलती के पीछे उनका इंटेंट, उनकी सोच नेक थी. सॉरी मिस्टर वागले. नमस्ते नमस्ते. आपका होटल बहुत अच्छा है. माँ क्या कर रही हैं? अरे मैं बात कर रही हूँ इनसे, कैमरा से. देखो वो कैमरा है. जॉब पाने के लिए ना ये चापलूसी गिरी करनी पड़ती है. दुनियादारी तो समझती नहीं. हेलो मैम. हेलो. हेलो हेलो. सुनिए, वो एक रवा डोसा लाइए और एक कॉफी लाइए और जरा टेबल भी साफ कीजिए. एक्सक्यूज मी. वो मजाक कर रही हैं. ये मुकुंद जी हैं यहाँ के ओना. सॉरी सॉरी सॉरी. वो कह रहे आप इतनी यंग है ना, तो इस उम्र में आप इतने बड़े होटल के मालिक है, तो मुझे लगा. सॉरी. हाँ आप वंदना जी राइट? यस प्लेजर टू मीट यू. और आप? मैं इसकी सास हूँ. मैम मेरी को कंसल्टेंट भी हैं. अच्छा. हाँ हाँ. को कंसल्टेंट? इतने सालों में मैंने पहली बार एक सीनियर सिटीजन को कंसल्टेंट के रूप में देखा है. सो एज इज जस्ट अ नंबर ना. एक्सपीरियंस मैटर करता है ना सर. फिर आपने भी तो इतने कम उम्र में इतने अमेजिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की. मेरे लिए भी ना माँ का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है. ओके तो शुरू करें. Remember, as a leader, always look for opportunities. फिर आपको अपने failures में भी opportunity दिखेगी. Thank you, Mr. Wagle. ये छुपाने के लिए कि जैसे मेरा आर्क निकला है, मैं शहर में नहीं आती और मेरा ही नुकसान होता. Completely my pleasure, ma'am. मर गए. अगर हर्ष भाई ने कियारा को देख लिया तो आफत आ जाएगी. एक्सक्यूज मी, जस्ट गो टू द वॉशरूम. ऑलराइट. हर्ष भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आप इधर क्या कर रहे हैं? हाँ वो निक का शो है ना, तो हमारे को तो आना ही पड़ेगा ना. भाई का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए तो. चलिए चलिए बाहर चलते हैं. क्यों? वो जोर से प्रेशर आया है ना, तो प्रेशर का कुछ करो. हाँ वो लिफ्ट में भी कैसे आप दौड़ के गए थे, है कि नहीं? इसीलिए इसीलिए. चलिए चलिए चलिए. नहीं आप जाके, मैं क्या करूँगा? अरे क्या करूँगा मतलब, क्या स्कूल में नहीं दोस्त के साथ हम भी ऐसे ही बाथरूम जाते थे? वैसे आप भी मेरा साथ दीजिए, अरे दोस्ती बढ़ती है इससे. दीदी आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मेरा प्रोजेक्ट देखा? आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मेरा प्रोजेक्ट कहीं देखा? तूने मुझसे कुछ कहा क्या? इस रूम में और कौन है आपके और मेरे अलावा? ओह सॉरी. हाँ मैंने सुना नहीं. दीदी बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो ना, मेरा प्रोजेक्ट देखा है कि नहीं? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे मेरा सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट. मैंने आपको दिया था और आपने बोला था कि आप मुझे कंप्लीट करके वापस दोगे. अच्छा मैंने ये बात सुनी थी. ऑफ कोर्स आपने गर्दन हिलाकर हाँ बोला था कि आप मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे. एक सेकंड, मैंने गर्दन हिलाई थी या हाँ कहा था? गर्दन हिलाई थी. ओके गर्दन हिलाई थी. कैसे हिलाई थी मतलब, ऐसे या ऐसे? कैसे हिलाई थी? ऐसे 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 ऐसे. क्या हाथ तो ये हाँ भी नहीं हुआ ना भी नहीं हुआ कुछ भी है?
दीदी आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे ये प्रोजेक्ट अभी के अभी चाहिए। फिर मुझे वो विद्युत को देना है, वो पॉलिश करेगा और हमें कल सबमिट करना है। प्लीज कैसे भी करके हमें जीतना है, प्लीज प्लीज बता दो। तो अथर्वन जा, जीत गया, किसने रोका है तुझे? आपने, आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ओ गॉड, तुम लड़के कितने कंप्लेन करते हो यार। मैंने ना अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखा है, जब लड़के कंप्लेन मोड पे जाते हैं ना तो मैं एक कान से बात सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। ये कहीं सुना सुना लग रहा है। तो सुनता भी है, नहीं, सोच सोच कहाँ सुना है। मैं आती हूँ, बाय। सुबह मैं, अरे मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है दीदी। बोरिंग सैंडविच खाकर पेट भरना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी क्या गलती हुई मुझसे? एक मिनट, पिछले कुछ फोटोग्राफ्स देख लूं, शायद उससे अंदाजा आ जाएगा कि वंदु मुझसे क्यों नाराज है। इसमें से तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या कोई डेट तो नहीं भूल रहा हूं? हाँ, बर्थडे एनिवर्सरी, ठीक है, 15 को आधा लीटर दूध लिया एक्स्ट्रा, नहीं है ठीक है, धोबी को 4 पैंट 3 शर्ट 32 रुपए बाकी, आशा की छुट्टी, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अरे बंधु देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये खास सैंडविच बनाया, मतलब मुझे पता है तुम्हें चीज सैंडविच पसंद नहीं है, लेकिन इस नाचीज ने बनाया, तो मैं चाह रहा था कि यू नो दोनों मिलकर बालकिन। अयला थैंक यू भी नहीं बोला मुझे, दोनों सैंडविच लेकर चले गए। मामला कुछ ज्यादा पेचीदा लग रहा है। ओह, दोबारा सब बनाना पड़ेगा। तो बात नहीं, ककड़ी है, टमाटर है, चीज है, बटर है। बंधु ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? हेलो कियारा मैम। हाय मिस्टर वागले, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतनी लेट नाइट डिस्टर्ब किया। आई होप आप सो नहीं रहे थे। नहीं नहीं, नींद आएगी भी नहीं। कहिए ना, बोलिए। वो एक्चुअली मुझे निक का नंबर चाहिए था। ओहो, ओ प्लीज मिस्टर वागले, वो मुझे आज के सेशन के लिए उसे पर्सनली थैंक यू बोलना था, बस इसीलिए। अच्छा, वो सेशन जो आप ऑलमोस्ट छोड़कर जा रही थी। मिस्टर वागले, अभी आप मुझे नंबर दे रहे हैं या फिर मैं आपको ऑफिस का और काम दूं? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, नंबर भेजता हूं मैं आपको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।